मैं एक चीज़ के बारे में ना बहुत अरसे से सोच रही हूँ, वो है शर्म। और ये शर्म खासकर तब आती है जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आपको बड़ी शर्म आती है उन तक चल के जाकर उनको ये बताने की कि हाँ मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तो और ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, क्यों आती है, कुछ पता नहीं होता। और इसकी वजह से हम बस बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। तो उस शर्म में ना मैंने बहुत अरसे पहले एक नज़्म लिखी थी, एक कविता लिखी थी। तो मैंने सोचा कि मुझे आज वो याद आ रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बांटूं। तो इस कविता में, इस नज़्म में जो है शरण जो है, जो ये नज़्म लिख रहा है या जो ये नज़्म बोल रहा है, उसमें भी वही शर्म है। और वो एक कमरे में बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और वो बस इंतज़ार कर रही है कि कब दूसरा इंसान उस तक चल कर आकर अपना इजहार इश्क करे, क्योंकि वो तो कर नहीं सकती, उसे शर्म आ रही है। तो एक वक्त आता है जब वो हार जाती है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन जब इंसान की उम्मीद टूटती है, असल उम्मीद जो है वहीं से शुरू होती है। तो कुछ ऐसे है कि इस शर्म का कोई हल करो, इस शर्म ने किया हलाल, हम जी भर कर तो रहे वहां पर इश्क का उठा सवाल। जो रात बनी थी मिलने को वो रात कभी ना आई, हम बैठे बैठे हार गए फिर इश्क में जान गवाई। पर तकदीरों ने काम किया जब हिजर का बोझ उठाया, तो जाते जाते हाथ पकड़ उसने फिर दम सहलाया। हमको तब तक एहसास न था, छूने की तलब थी गर्म, पर छुए बिना फिर इश्क हुआ, होते ही टल गई शर्म। ये छूने का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना कंटेम्प्रेरी लव में, फिज़िकल इंटीमेसी हमारी जनरेशन के लिए बड़ी ज़रूरी है। उसी से इश्क है या नहीं पता चलता है, बढ़ावा मिलता है उस इश्क को। ऐसा क्यों है पता नहीं। तो असल इश्क जो है, क्या उसमें छूने की पाबंदी होती है? तो ये मेरा सवाल है। हमको तब तक एहसास न था, छूने की तलब थी गर्म, कि छुए बिना फिर इश्क हुआ, होते ही टल गई शर्म। तो कहती हूँ कि इश्क करो जो बार बार हो जाए, जिसमें छूने की पाबंदी हो वो इश्क ना इश्क कहलाए। शुक्रिया।